अब यूएस में रूसी राजदूत का बाइडेन सरकार पर बड़ा आरोप यह है कि यूक्रेन को हथियार देकर अमेरिका टेंशन को एस्केलेट कर रहा है। अमेरिका का यह कदम बेहद चिंता की बात है, यह एंटोनोव ने कहा है। साफ है अमेरिका शांतिपूर्ण समाधान नहीं चाहता, एंटोनोव का यह कहना। अब यूक्रेन को हथियार को लेकर ये जो बड़ी खबरें आ रही हैं, उसमें एक हकीकत ये भी है, जहां हमने आपको पहले भी ये बताया था कि किस तरीके से हथियारों की मांग यूक्रेन हर देश के सामने रख चुका है। इस बीच हकीकत ये है कि अभी तक सिर्फ 10% हथियार ही मिले हैं, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक ही आश्वासन मिला है कि सबका सहयोग यूक्रेन के साथ है। और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अपनी चिंता हर उस प्लेटफॉर्म पर जाहिर कर चुके हैं, जहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात का डर सता रहा है कि जितनी जमीन अभी तक रूस कब्जा चुका है, और अगर कब्जाने के बाद रूस इसी आधार पर अपनी जीत का ऐलान कर देता है, तो ये ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन की चिंता बहुत हद तक बढ़ा देंगे। अब यूक्रेन में अमेरिका की लंबी दूरी की मिसाइलें भेजने की खतरनाक योजना लेकर ये बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि यूक्रेन को हथियार रूस का अमेरिका पर है, ये सबसे बड़ा वार। यूक्रेन को हिमार्स जैसे हथियार देकर अमेरिका तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इस बीच खबर ये भी है कि अमेरिका का इरादा है यूक्रेन में संघर्ष को कम करना नहीं, बल्कि इसे बढ़ावा देना। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अमेरिका यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार देकर युद्ध और खींचना चाहता है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि रूस और यूक्रेन के बीच शांतिपूर्ण तरीके से कोई सोल्यूशन निकले, कोई समाधान निकले। मेरा सवाल यहां पर गुरजीत सर आपसे ये है, क्या आपको ये नहीं लगता कि अब ये डर ज़ेलेंस्की का बिल्कुल सही भी है, क्योंकि सिर्फ अश्योरेंसेस मिल रही हैं, हथियार अभी तक सिर्फ उन्हें 10% मिले हैं। और ये भी हकीकत है जिसको ज़ेलेंस्की बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि ज्यादातर जमीन ऐसी है जिस पर रूस अपना कब्जा कर चुका है, यानी रूस के पास अब सिर्फ यही सिचुएशन है कि वो किसी भी वक्त इस कब्जाई जमीन को ऐलान करते हुए अपनी जीत घोषित कर दे। ये तो बिल्कुल सच बात है, रूस को तो यही करना चाहिए, क्योंकि ये जंग ये नहीं है जो रूस जीत सकता है, लेकिन रूस को अपने लिमिटेड ऑप्शन अचीव करके एक सीज फायर डिक्लेयर कर देना चाहिए, उससे जो अमेरिका का एक रोल है वो कम हो जाता है। और जहां रही ज़ेलेंस्की की बात, ज़ेलेंस्की तो अमेरिका की गुलेल है, और जब जहां तक गुलेल गुरमीत सर ये एक विडंबना है, इसमें एक चीज ऐड कर दूं, ये एक विडंबना है कि सब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये वो जंग नहीं है जिसे रूस जीत सकता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ज़ेलेंस्की खुद आए चिल्ला रहे हैं कि अगर कुछ दिन जंग और चली तो वो और उसके शहर अपने कब्जे में ले लेगा। तो इस तरह से हम तो ये कहेंगे ना कि रूस जीत ही रहा है। नहीं, रूस पूरी तरह यूक्रेन को कब्जा नहीं कर सकता, यूक्रेन को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। यूक्रेन की जो डिफेंस फोर्सेस हैं अब वो एंटी रशियन हो चुकी हैं, तो ये रूस की जीत नहीं है। तो रूस अब कब्जा सिर्फ डोंबास और क्रीमिया के बीच में जो एरिया है उस पे करेगा, पहले उसका मकसद ठीक है। और याद आता है भारत का वो बयान जिसमें कहा गया था कि इस जंग में हार या जीत किसी की नहीं होगी, लेकिन नुकसान पूरी दुनिया का होगा, तो वो तो साफ है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।